सब्सक्राइब कीजिए पासी चैंप चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को लेटेस्ट मेडिकल टॉपिक सबसे पहले देखने के लिए। सो गाइज, आज डिस्कस करेंगे मैफेजेस्ट किट के बारे में कि इस किट को कैसे यूज करना होता है और इस किट की जो 5 टैबलेट्स हैं कब और कैसे लेनी होती हैं। ठीक है, जो एक्चुअल मेथड है, ऑथेंटिक मेथड है, वो क्या है इस पूरी किट को लेने का। तो वेलकम बैक गाइस टू पासी चैम चैलेंज, और बिना किसी डिले के आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए, मैफेजेस्ट किट आप देख रहे हैं, इसमें आपको 5 टैबलेट्स दिख रही हैं। जो ये पहली टैबलेट है, ये है मिफेप्रिस्टोन। ठीक है, 200 मिलीग्राम की ये टैबलेट होती है, और पेंडिंग 4 टैबलेट्स हैं, ये मिजोप्रोस्टोल टैबलेट होती हैं, और एक टैबलेट 200 माइक्रोग्राम की होती हैं। कैसे यूज़ करना है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो काफ़ी ध्यान से सुनिएगा। ये जो फर्स्ट टैबलेट है, ये आपने आइडियली दिन के समय ही लेनी होती है पानी के साथ में। मतलब कि फर्स्ट टैबलेट मिफेप्रिस्टोन आपने सुबह, सपोज करें अगर आप सुबह के टाइम ले रहे हो तो 8 बजे आपने लाइट ब्रेकफास्ट करना है, और फिर उसके 2 घंटे के बाद में आपने ये फर्स्ट टैबलेट पानी के साथ लेनी है। ठीक है, आफ्टर 2 आवर्स ऑफ टेकिंग लाइट मील, और फिर आपने ये फर्स्ट टैबलेट मिफेप्रिस्टोन लेनी है पानी के साथ में। अगला जो है, ये 4 टैबलेट्स, ये आपने 48 आवर्स के बाद में लेनी है। ठीक है, अब कई पेशेंट्स हैं और व्यूवर्स भी हैं, वो बोलते हैं कि सर 48 आवर्स के बाद में क्यों, पहले क्यों नहीं? तो गाइस देखिए, पहले इसलिए नहीं क्योंकि जो प्रेगनेंसी को टर्मिनेशन करने का जो प्रोसीजर है, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने का जो प्रोसीजर है, वो पूरा होने में कम से कम 48 घंटे लगते हैं। पहली टैबलेट लोगे तो कम से कम 48 घंटे में प्रेगनेंसी टर्मिनेट होती है। ठीक है, और फिर उसके बाद जब प्रेगनेंसी टर्मिनेट होगी तो उसको बाहर निकालना पड़ेगा, मतलब कि जो प्रेगनेंसी प्रोडक्ट है उनको बाहर निकालेंगे, तो उसके केस में आपको ये 4 टैबलेट्स लेनी होती हैं। ठीक है, तो आफ्टर 46 आवर्स, ठीक है, आपने सुबह के टाइम ही हल्का ब्रेकफास्ट करना है, और फिर उसके बाद 48 आवर्स के बाद में, मतलब कि सुबह 10 बजे आपने 2 टैबलेट्स, ये जो मिजोप्रोस्टोल की 2 टैबलेट हैं, ये आपने जीभ के नीचे रखनी है। ठीक है, पानी के साथ में नहीं लेनी। क्यों नहीं लेनी होती? क्योंकि जब आप डायरेक्ट पानी के साथ ये टैबलेट लेते हो, और ये टैबलेट जब आपके स्टमक में जाती है, तो स्टमक में स्टमक जूस होता है जिसे HCl बोलते हैं, मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और जब ये टैबलेट्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करती हैं, तो इन टैबलेट्स की जो इफ़ेक्टिवनेस है वो कम हो जाती हैं। आप हमेशा ये अपने दिमाग में मान के चलें कि ये जो टैबलेट्स हैं, ये यूट्रस तक जानी हैं, और ये यूट्रस तक तभी जाएंगी जब ये आपके ब्लड स्ट्रीम में डिजोल्व होंगी। ठीक है, ये ऐसे नहीं है कि आपने खा ली और ये सीधा आपके यूट्रस तक चली गई, नहीं, इनको ब्लड स्ट्रीम में घुलना होगा। और अगर ये आप पानी के साथ में लोगे तो यूट्रस तक जाने के लिए इसको ब्लड स्ट्रीम में तो घुलना ही है, और जब ये आप लोगे तो स्टमक में जाएगी, वहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस टैबलेट को घोल देगा। ठीक है, पचाने के लिए, क्योंकि ये एक टाइप का फूड है बॉडी के लिए, और जब ये पेट में जाएगा तो हाइड्रोक्लोरिक के साथ इसका रिएक्शन होगा, और इस टैबलेट की जो इफ़ेक्टिवनेस है वो कम हो जाएगी। इसीलिए जब ये टैबलेट्स पेशेंट चाय के साथ या फिर दूध के साथ या पानी के साथ लेते हैं, तो उनका जो टर्मिनेशन है वो प्रॉपरली नहीं होता है। तो इसी कारण से मैं हर पेशेंट्स को बोलता हूँ कि इसे कभी भी पानी के साथ में नहीं लेना होता। ओके, आगे जब आप ये टैबलेट मिजोप्रोस्टोल की 10 बजे लोगे, तो उसके 3 आवर्स के बाद, मतलब कि 2 आवर्स तक तो आपने कुछ खाना पीना नहीं है, फिर आप 2 आवर्स के बाद में कोई भी लिक्विड चीज़ ले सकते हो, फिर 3 आवर्स के बाद में आपने दोबारा से ये लास्ट की जो 2 टैबलेट्स हैं, ये दोबारा रिपीट करनी है। ठीक है, जीभ के नीचे आप रख सकते हो। अब यहाँ पर एक और मेथड है, देखिए, कई बारी पेशेंट्स को जीभ के नीचे रखने पर वोमिटिंग आती है। ठीक है, तो वोमिटिंग के जो चांसेस हैं वो जीभ के नीचे ज़्यादा हैं। आप चाहें तो इसे बक्कल कैविटी में रख सकते हो, मतलब कि जो चीक्स और गम्स के बीच की कैविटी है, गालों के बीच में आप रख सकते हो।
एक इस साइड और एक इस साइड, दोनों साइड में एक एक टैबलेट्स आप रख सकते हो, ठीक है। और जो थूक है, जो सलाइवा है, उसको अब निगलना है आपने, ठीक है। और ये जो टैबलेट्स हैं, जो मिजोप्रोस्टोल टैबलेट हैं, 4 टैबलेट्स, ये टेस्ट लेस होती हैं, इनका कोई टेस्ट नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे ये घुलेंगी, जब आप रखोगे इसको जीभ के नीचे या फिर गालों के बीच में, तो आपको चाक जैसी फीलिंग आएगी जैसे जैसे ये घुलेंगी, फिर आपको थोड़ा थोड़ा कड़वा लगेगा ये। और ये कम से कम 30 मिनट में डिजोल्व हो जाती हैं, 30 टू 40 मिनट लगते हैं डिजोल्व होने में, लेकिन ये विद इन 30 टू 40 मिनट्स में ये डिजोल्व हो जाती हैं और आपको चाक जैसी फीलिंग आएगी। और जब आप ये टैबलेट्स लोगे, मतलब कि फर्स्ट डोज जो 2 टैबलेट्स हैं उनकी आप लोगे, तो विद इन 30 to 4 आवर्स के बीच में आपको एब्डोमन क्रैम्प्स आएंगे और फिर आपको ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो पहले तो दर्द होगा, फिर उसके बाद आपको ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो गाइज, मुझे आपका कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट।